संगीत हिंदुस्तानियां दे खून विच रचिया वसिया है। साडे रस्मां रिवाजां विच जन्म तो लैके मरण तक हर मौके वास्ते संगीत है। रुत बदले, होली आवे, दिवाली आवे, फसल बीजी जाए, फसल कटी जाए, हर मौके वास्ते गीत संगीत है। संगीत अपने कमाल ते मुगल सम्राट अकबर दे राज विच पहुंचा, जदों तानसेन वर्गे संगीतकार उन्हां दे नवरत्ना विच शामिल सन। ऐसी मानता है कि वह मल्हार राग गा के बरखा कर सकते सन अते दीपक राग गा के चिराग रोशन कर सकते सन। करो मेरा नमनवा मोरे जो चाहे सुखवा, करो मेरा नमनवा मोरे ना। विपद काल में ना कोई संगी मूरख मानव जनवा, करो मेरा नमनवा। संगीत दा पतन शुरू होया औरंगजेब दे शासन काल विच। औरंगजेब दा विचार सी कि संगीत बंदे नूं रब तो दूर करदा है, इसलिए इस ते सख्ती नाल पाबंदी लगाई जाए। औरंगजेब ने संगीत ते संगीतकारां नूं अपने राज चों खत्म करन लई एक फरमान जारी कीता। सुनो सुनो सुनो, हर एक आम ते खास सुनो, शाही फरमान आलमगीर औरंगजेब दा फरमान है कि उना दी सल्तनत विच गीत संगीत दी बड़ी सख्ती नाल मनाही है, ते जेड़ा किसे भी किस्म दा गाना गांदा फड़िया जावेगा ओनू कैद तो लेके फांसी तक दी सजा हो सकती है। ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਫਰਮਾਨ ਦੀ ਹੁਕਮ ਅਧੂਲੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਲਾਹਉਦੀਨ ਜੀ, ਮੌਸੀਕੀ ਕੇ ਬਾਰੇ ਮੇਂ ਹਮਨੇ ਜੋ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਆ ਥਾ, ਕਿਆ ਉਸ ਪੇ ਅਮਲ ਹੋ ਰਹਾ ਹੈ? ਜਹਾਂ ਪਨਾ, ਅਮਲ ਹੋ ਰਹਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਸੇ ਸੂਫੀ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਸੇ ਭਾਗ ਕਰ ਵੀਰਾਨੋਂ ਮੇਂ ਜਾ ਚੁਕੇ ਹੈਂ। ਆਜ ਵੀ ਚੋਰੀ ਛੁਪੇ ਕੁਫਰ ਸੇ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਤੇ। उन सभी लोगों को ढूंढ के फांसी पे लटका दिया जाए। जो हुक्म जहां पना। शाही फरमान दी हुकुम अदूली दे इल्जाम विच थानू सारयां नूं गिरफ्तार कीता जांदा है। कौन मर गया है? किसका जनाजा लेके जा रहे हो? हुजूर, इल्म ए मौसिकी, संगीत, जिसे आपने मौत की सजा दी है, उसे ही दफनाने जा रहे हैं। यह काफिर भी बहुत ढीठ है, मरकर फिर जी उठता है। इसको अब की बार इतना गहरा दफनाओ कि वापस सर न उठा सके। अकबर चला गया ते औरंगजेब भी ना रहा, पर संगीत ते लगी पाबंदी जारी रही। मोहम्मद शाह रंगीला दा वेला आया,
नादर शाह ने हिंदुस्तान ते हमला कीता ते पंजाब जिहड़ा सारे हमलावरां दे रस्ते विच पैंदा सी कई बार फिर उजड़िया। देश विच कोई एक केंद्रीय ताकत ना रही ते अलग अलग सूबियां दे सूबेदारां ने अपने अपने तरीकियां नाल संगीत दी मुखालफत जारी रखी। पीरो मुर्शिद, की संगीत हिंदुस्तान विचो हमेशा लई दफन हो चुका है? नहीं, कई सूफियों ने जिंदा रखे और अगे भी जिंदा रखेंगे, लेकिन अल्लाह ताला ने एक शख्स की जिंदगी विच ऐसे हालात पैदा कर देते ने कि वो मैनू लभदा होया कदे भी कसूर आ पहुंचेगा। ओ शख्स एक बारी फिर हिंदुस्तान दे विच संगीत नू जिंदा करेगा। ओ शख्स, सानू भी उसका बड़ी बेसब्री नाल इंतजार है। हजूर। हाँ? जनाब गुलाम मोहिउद्दीन मखदूम साहब नू कित्थे मिल सकदा? शकल तो तू पागल नहीं लगदा, पर सवाल तू पागला वाला कीता है। की काम है तेनू ओहदे नाल? जे उन्हां दी नजरे कर्म होवे तां मैं उन्हां दा मरीद बनना चाहुंदा। समझ गया, तू जरूर पागल है। वो मुसलमान होके कुफर पकता है, खुदाई दे दावे करता है, नचता है, गाउंदा है। ओहदे नाल जुड़न वाले ते शाही अजाब नाजिल हो सकता है। तू अपने गल फांसी दा फंदा पाउणा है? जा मुड़ जा। मेरे लिए तो जीना मरना एक बराबर है, पर तुसी दसो कित्थे मिल सकते ने बाबा मखदूम? जदों दा शाही फरमान गाउण बजाउण वालियां दे खिलाफ जारी होया, ये मुनकर लोग आबादियां तो दूर वीरानियां च रहिंदे ने। जे तेरा वेला वाकई बुरा आ गया है तां तैनू कसूर दे आस पास दे जंगलां च मिल जाएगा। मखदूम बाबा, मखदूम बाबा, मखदूम बाबा, मखदूम बाबा। वारिस बाबा आ गए? जी बाबा। आ जा। आ जा। वारिस, मैं तेरा ही इंतजार कर रहा सी। वारिस, तेरी अम्मी दे इंतकाल दा सानू अफसोस है। तेरी अम्मी जिनू तू सब तो ज्यादा प्यार करदा सी, अगर तेनू इस दुनिया चो छड के ना जांदी, तेरियां परजाइयां तेनू ताने मेने मार के घरों ना कट दियां, तां तू मेरे कोल आंदा? बाबा, तुसी मेरे बारे सब कुछ जानदे हो। ओ जेड़ा बीत गया हो भी, जेड़ा तेरे ते बीतन वाला हो भी। सुभान अल्लाह। वारिस, रहिंदी दुनिया तक लोकी मैनू इस करके याद करनगे क्योंकि तू मेरा शागिर्द है।
मेरे पीरो मुर्शिद तुसी मैनु कबूल कीता इस नाचीज नु। आजा आज तो बाद जो मेरा तेरा हो गया। आजा वारिस, तू कलाम ते पूरी तरह कादिर है, पर तेरे अंदर एक तपिश दी कमी है, तेरे कलाम विच एक दर्द दी कमी है, तेरा कलाम न हड बीती लगता है न जग बीती, तेनों का देश खोया बस यही कमी है, वैसे इश्कीतिया नहीं हुंदा, हो जांदा है, ए ता रब दी नेमत है। तेनू ना वसल दी खुशी दा अंदाजा है ना विछोड़े दे गम दा। पीरो मुर्शिद इसका मतलब मैं आज तक पानी ते लकीर खिंचदा रहा। वो दिन आएगा जब तुम ही दर्द दी दौलत ना माला माल होएगा, बस तब तक सबर कर। जी बाबा। तोड़े चो मखदूम कौन है? फियाज खान आ गए, चलकर अपने सुल्तान दा हुक्म पूरा। कसूरी कहंदे ने के तुसी मौसीकी दा रियाज करदे हो ते करवांदे हो, नचदे हो गांदे हो ते खुदाई दा दावा भी करदे हो, कि ये सच है? फियाज खान अल्लाह बंदा ते इश्क इक ने, तेरी अखां तो पर्दा हट जाए ते तू भी रब है। तैनू गिरफ्तार कीता जांदा है? सानू पता है वारिस, कतरे दा समंदर नाल मिलन दा वेला आ गया है, आशिक दा मशूक नाल मिलन दा वेला आ गया है। चल मुजरिम के हाथ खोल दो। मखदूम, अगर तुम अपने जुर्म और गुनाहों का इकरार करके अब भी तायब हो जाओ, अपने मुरीदों से कह दो कि अब तक तुम कुफ्र बक रहे थे, तो हम तुम पर अब भी मेहरबान हो सकते हैं, तुम्हारी जान बख्श सकते हैं। इखलाक के कदमों पे कलंदर नहीं गिरता, टूटे जो सितारा जमीन पर नहीं गिरता, गिरते हैं बड़े शौक से समंदर में दरिया, लेकिन किसी दरिया में समंदर नहीं गिरता। कतरा मिला समंदर से, समंदर हो गया, कतरा मिला समंदर से, समंदर हो गया, आशिक मिला जो मौत से कलंदर हो गया, कतरा मिला समंदर से, समंदर
मौत से बढ़कर सजा दोगे क्या दीवाने को, मौत से बढ़कर सजा दोगे क्यों दीवाने को, कतरा मिला समंदर से समंदर हो गया, आशिक मिला जो मौत से कलंदर हो गया। कल ऐसे थाते बाबा मखदूम दी दरगाह बनेगी, दूर दूर तो हिंदू मुसलमान ते सिख अपने मन दे मुराद पान वास्ते इत्थे आणगे। वारिशा, ऐ मेरी वसीयत है कि तू मलका हंस जाके उत्थे दी मसीद विच रह के हीर लिख, ते जद तक पूरी ना हो जाए तू उत्थे ही रही, उत्थे अज भी संगीत दे कदरदान मौजूद ने। समानी उड़िया
माफ करना, मैं पूछ सकता मलका हंस नु केड़ा रास्ता जांदा? होंठ सुरख यकूत जिवें लाल चमकण, थोड़ी सेब वाला ऐती सार विचों, दंद चंबे दी कली के हंस मोती हो। दाने निकले हुसन अनार विचू। राणो, परदेसी नु पुछ, ए तेरे हुसन दी तारीफ कर रहा सी या मेरे? राणो जी, मैं वारिस शाह ते अपने पीरो मुर्शद दे हुक्म नाल हीर लिखण वास्ते मलका हंस जा रहा। राणो, एनु पुछ, एदी हीर मेरे तो ज्यादा सोनी है। राणो जी, एना नु कहो ए रब दी तहरीर ने, ते हीर मेरे जे हकीर फकीर दी। भला हीर दा इन्हां नाल की मुकाबला। राणो जी, हले तक तुसी मैनूं मलका हंस दा रस्ता नहीं दस्या। राणो, परदेसी मलका हंस दी हद च ही खड़ा है। एना नूं पुछ, जाना किथे? जी चौधरी साहब दे घर। ले, ते ए चौधरी साहब दी धी नाल गल्लां करन आए ने। राणो, परदेसी दी सेवा करना साडा फर्ज बनदा है। तू चल, मैं इन्हां नूं राहे पानी आ। चलो जी। फिर तो तुहाडा रहना सहना साडे घर ही होएगा। जी, हीर लिखण वास्ते मुबारक जगह मस्जिद दा हुजरा है, बाबा जी आप कह गए। जिवें तुहाडी मर्जी। भाग परी जी, पुत्तर इन्हां दी दो वेले दी रोटी तू लेके जाएंगी? बापू, इन्हां नूं पुछो, इन्हां नूं मेरे हाथ दी रोटी चंगी भी लगेगी। जी, राणो नूं पुछ के दसांगा। है? राणो, पर तुसी तां कह रहे सी कि तुसी कल्ले आए हो। राणो, तुहाडी मेरा मतलब है तुहाडा व्याह। राणो, मेरी बकरी बापू, इन्हां ने आन सार ओदे नाल यारी ला ली है। अच्छा अच्छा। अल्लाह करे इस हुजरे नूं तुसी रहिंदी दुनिया तक आबाद रखो। मैं सामने रहना, किसी चीज की लोड़ होवे तां तकल्लुफ ना करना। शुक्रिया इमाम साहब। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਕਾਫਿਰ ਨੂੰ। ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਪੱਥਰ ਮਾਰ ਕੇ ਪਿੰਡ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਕਾਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰਕਾਰੀ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਾਤੀ ਰਾਏ? ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਅਲਹਮਦੁ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਿਰਦ ਕੀਜੇ, ਇਸ਼ਕ ਕੀਤਾ ਸੂ ਜਗ ਦਾ ਮੂਲ ਮੀਆਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਹੀ ਰੱਬ ਨੇ ਇਸ਼ਕ ਕੀਤਾ। ਹੋ ਤੇ ਮਾਸ਼ੂਕ ਹੈ ਨਬੀ ਰਸੂਲ ਮੀਆਂ। ਆਹ ਵਾਹ,
काजी जी, तुसी इस अल्लाह ते रसूल दे आशिक नू काफर कह रहे हो? शायद मुखबरा ने मेरे को गलत खबरां पहुंचाईयां ने, पर वह गाता रहा ना। काजी जी, जदों मुअज्जन अजान दिंदा है तां वह भी सुर च दिंदा है। सुर ते रब दी कायनात विच है। चिड़ी दा चैक ना ते पपीहे दी पी पी सारियां नू कैद करोगे? खीर चाय पत्ता खंड खीर मक्खन मिये रांझे दे पास लियांदी ए हथी अपने रांझे नू हीर जट्टी हो चूरी मेहर दे नाल खवांदी खिदमतकारी प्यार दे नाल करदी अदबिक नामूल पुलांदी वारिशां जो हाल है वाल सारा कुल पड़त ने खोल दिखां दिए तू कौन है कैसे इत्थे की कर रही है मैं कौन हूं जो तुसी गा रहे सो उदे जादू विच मैं भूल गई हाँ कि मैं कौन हाँ याद आए तो दस दई ते भी दस दई मैं कौन हाँ याद आया मैं पाग परी हाँ ते तुसी बारिश हाँ रोटी ले आई हाँ तुहाडे वास्ते इत्थे रख दे भुख लगेगी ते खा लांगा तुसी मैनू जानू कह रहे हो फकीर तुनु जान वास्ते किदां कह सकता है हाँ तुसी मैनू जान वास्ते कह सकते हो आविदा नसरीन थलिया नूरा चलो नी गुड़िया मस्जिद ते चली साडे पिंड ना एक जादूगर आया आवाज सुरीली ते कलाम आशिकाना है ते इश्क दा पाठ पढ़ाउंदा है चलो जल्दी चलिए चलो नी चलिए लेके सठ सहेलियां नाल आई हीर मतड़ी रूप गुमान दी जी बुक मोतियां दे कन्नी चमक दे सं ओ कोई हूर ते परी दी शान दी जी साबो हाँ नी साबो तू इत्थे की करन आई है पाग परी हवा पानी सूरज चन इश्क ते संगीत इना ते ता सब दा बराबर दा हक हुंदा है ते मेरी ता बचपन तो आदत है जो चाहनी है वो करनी है जो चाहिदा है वो लै लैनी है क्यों वारिस जी तुसी की विचार दे हो फकीरां तो की पुछ दे हो जो मिल जाए उससे नु मुकद्दर समझ लेने बाकी सब नजरां दे चिराग ने मुठियारे किते बुझ जांदे ने किते जग जांदे ने वारे शाद अपना कुछ भी नहीं साड़ी नत है खसम दे हाथ कुड़ी क्यों पाग बरी तुसी ते बहुत ही गुड़ियां गल्लां कर दे हो मैं चल दी हूं ऐसी
इश्क दा भीत ना जाहर होवे किसे पास ना गल आशक सोई जो दुख ना जाहर करे जो कुछ सिर ते बने ताजा पीपनी ते मैं भी वजा सकनी हां इस पीपनी नु वंजली कहंदे ने ते सुर वंजली विच नहीं बंदे विच हुंदे ने जेड़ा अपने साहां दे नाल वंजली विच फूकदा है हल्ला फिर ता मेरे अंदर सुर ठाठा पै मारदे ने लो रानो नु फड़ो जरा लिया ते दियो पीपनी मैनू हुन वेखो मैं की करदी हां एथे ही ना शार जी मेरे अंदर दे सुर मेरे सहारे आई बाहर क्यों नहीं आ रहे सुर वंजली ते साह विच तालमेल बिठाना पैंदा है किस तरह इस तरह जदे थोड़े लबा नू लग के आती है मिठी हो जाती है क्यों पला जदों तुहाडे लबां नूं लग के आई सी तो मैनूं भी मिठी लगी सी क्यों पला कुदरत दे राज ने हौली हौली खुलदे ने हौली हौली शायद इसने मैनूं बहुत कुछ सिखाना है ये मैं रख लां बेशक ते एदा मुल जे वजाउणी आ जती अनमोल नहीं ते बेमोल अच्छा मैं चल दिया चल रानो वारसिशा छुपाइए जग कोलो पावे अपना ही गुड़ कौन पाग परी तू ऐस वेले मैं सोचिया तुहानू तुहाडी पीपनी दे बदले च की दिया आ लो मेरी सब तो प्यारी चीज कबूतर ए शरारती दना चुगल खोरे ते तुहाडी सारी चुगलियां मेरे तक पहुंचांदा रहेगा ते इस पीपनी दा अगला पाठ भी पढ़ा दियो बेशक हुण अपने साह इहदे विच फूको
हुन मैं चला। चार जी, इस चुगल खोर नु साम के रखो, मुड़ मुड़ के मेरे कोल आ जांदा है। मैं हीर दी कहानी लिख रहा ते शायद मेरी। इस चुगल खोर दी कहानी विच शायद मेरा नाम भी आ जाए। हुन तुसी लिखना बंद करो ते रोटी खा लो, चलो। जी। तेरा हुक्म पाग परिये साडे सिर मत्थे। वे कबूतरा वे कासदा तेनु सच्चे रब दा वास्ता वे तेनु सच्चे रब दा वास्ता आशका दे दिलानू मिलान वालिया जोंदा रहवे चिट्ठियां पहुंचाउण वालिया जोंदा रहवे चिट्ठियां पहुंचाउण वालिया सुख सुनेहा मेरे सोने यारा दा
सदका वारी मेरे गुड़े प्यारा दा उस दे सिर तो सदका वारी मेरे गुड़े प्यारा दा जा मेरी महबूब नू आखी बुक्का समझे नू मगरब की नमाज में असी मिला के तैनू असी मिला के तैनू ते दिलारू मिलाण वालिया जोंदा रहवे चिट्ठियां पहुंचाण वालिया जोंदा रहवे चिट्ठियां पहुंचाण वालिया कबूतरा तेनू सच्चे रब दा वास्ता तेनू सच्चे रब दा वास्ता बख्शिया कुल गुना मेरा सदा खुले
खामखा वारिस दे पिछे पए हो, सबर करो, ओ साडे पिंड दा नां सारी दुनिया विच रोशन करेगा। ओ पिंड दे मुंडे कुड़ियां नूं पट रहा है, गा गा के आप ते सरकार दी हुकमदुली कर रहा है, लोकां नूं वी भड़का रहा है। बई मैनूं ओदी शिकायत सूबेदार कोल करनी पएगी। काजी जी, मुंडे कुड़ियां नूं छड्डो, तुसी आप ना किते पट्टे जायो। नहीं हकीम, खतरा है जान। नहीं मुल्ला, खतरा ईमान। काजी ग्यासुद्दीन, जे तेरे लाए हुए सारे इल्जाम सच्चे साबित हो जांदे ने, तां वारिशां नूं फांसी भी हो सकदी है। हजूर, तुसी एक बार उहदी गिरफ्तारी दा हुक्म तां करो, उह आप अपने मुंह नाल एक वाले जुर्म करेगा। वारिस नूं फौरन गिरफ्तार करके पेश कीता जाए। हजूर, गुस्ताखी दी माफी हजूर। चौधरी मलिक, पिंड दे मुंडे कुड़ियां सब उस काफर दे मुरीद ने। बगावत दा अंदेशा हजूर, गिरफ्तारी रात नूं अमल विच लियांदी जावे। वारिस शाह जी, सूबेदार साहब ने तेनू कुफर फैलाने के जुर्म दे विच गिरफ्तार करने का हुक्म किया है। चलो ले आओ इनू। वारिस शाह, तू अपने बचाव विच की कहना चाहना है? सारे इल्जाम झूठे ने। मलंगा दी मौसी किते मौला नाल जोड़दी है, उस तक पहुंचने दा एक जरिया है, बंदे नूं पाक परवरदिगार दे दीदार बख्शदी है। ओ जलवाए दीदार जेड़ा मूसा ने कोहतूर ते देखिया सी, मौसी की भी दिखा सकती है, जलेगा कोई नहीं, बस खुमारी ही खुमारी होवेगी। पर जे जलवा तू ना दिखा सकिया तां अपना अंजाम जानदा है। गुस्ताखी माफ हजूर, मेरा ते तुहाडा अंजाम उस दिन तय हो चुकिया सी जिस दिन असी पैदा होए सी। रहे नाम सिर्फ अल्लाह दा। बात तां ना बना, सीधी तरह दस, जलवा दिखा सकदा है जां नहीं? बाबा मखदूम दी दरगाह शरीफ कसूर विच बन चुकी है, मैं जलवा अपने पीरो मुर्शिद दे हजूर विच पेश करांगा। अल्लाह तू बकेंदा है, अल्लाह तू बकेंदा है।
ਬਕੈਂਦਾ ਏ ਅੱਲਾਹੂ ਤੂੰ ਬਕੈਂਦਾ ਏ ਅੱਲਾਹੂ ਤੂੰ ਬਕੈਂਦਾ ਏ 24,000 ਨਮਾਜ਼ ਫਕਰ ਦੀ ਤੂੰ ਪੰਜ ਕੀ ਦੀਆਂ ਪੜਦਾ ਉਹ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਣਕਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਣਕਾ ਮੌਲਾ ਹੀ ਮੌਲਾ ਕਰਦਾ ਬਸ ਅੱਲਾਹੂ ਤੂੰ ਬਕੈਂਦਾ ਏ ਸੱਚਮੁੱਚ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ, ਬਥੇਰੇ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਨੂਰ ਅੱਜ ਰੂਹ ਤੇ ਜਿਸਮ ਨੂੰ ਆਇਆ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹਾਸਿਲ ਹੋਇਆ। ਵਾਰਿਸ਼ਾ, ਤੂੰ ਤੇ ਤੇਰੀ ਹੀਰ ਦਾ ਨਾਂ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਤੱਕ ਅਮਰ ਰਹੇ, ਇਹ ਦੁਆ ਹੈ ਮੇਰੀ। ਚਲੋ ਸਾਰੇ। ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਹੀਰ ਤੇ ਰਾਂਝੇ ਦਾ ਮਿਲਨ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ? ਭਾਗ ਭਰੀ, ਜਦ ਕੋਈ ਕਿੱਸਾਕਾਰ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਚ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੀ ਬੀਤਦੀ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।
उस वेले जिहड़े हालात विचों किरदार हुंदे ने उही फैसला करदे ने। मैनूं खालिक होके भी अपनी मखलूक दे पिछे तुरना पैंदा है। ते मैनूं क्यों इस तरह लगता है कि मैं तुहाडी हीर ते रांझे नूं जानदी आं, पछाणदी आं। बाबा मखदूम ने समझाया सी, कहानी जग बीती होवे या हट बीती, ते है हट बीती। तुसी हीर ते रांझे नूं जानदे हो? बस ओना ही जिन्ना मैं अपने आप नूं ते तैनूं जानदा। तुसी अपना ते मेरा अंजाम नहीं जानते? बाबा मखदूम जानदे। फूके मार ही मार के पकड़ छमका, परी आदमी ते कहर वान होई, रांझे उठ के आखिया वा सज्जन हो। हीर हस के ते मेहर बान होई, कच्छे वंजली कन्ना दे विच वाले, जुल्फ मुखड़े ते परे शान होई, इश्क हुस्नी सवार मैदान चढ़ के ओ, हीर लुट ली ते पशे मान हुई। सब होश विचा चली हो गई? साबो एवे जवानी खराब ना कर, जिथे मापे कहते उथे व्याह करवा ला, रब की वड्डी सच्चाई भी पूरी हो जूगी। वारिस जी मैं ठोकर ना मारो, कितने जख्मी होके मैं ना करना बन जा। सपेरे सप्पां तो नहीं डरदे? तब वक्त ही दसेगा। بسم اللہ الرحمن الرحیم।
बापू लस्सी। नहीं पुत्र, आज बारिश आदि आवाज नहीं आई। लगता है सूरज नहीं चढ़िया। रब खैर करे ओदी तबीयत ठीक होवे। मैं जावा पता करन? नहीं पुत्र, मैं जाना। तू जाके मां नाल काम च हाथ बंडा। कल नू अपना घर भी बसाना है। ये पिंड बारिश दी आवाज बिना कब्रिस्तान जिया लगता है। जनाब शेरे खामोशा कहो। हजूर दिल टुटन दी आवाज नहीं आंदी। ओ दीनिया तेनु पता है अगे हीर ते रांझे ते की बीतेगी? ए सवाल तू मैनू नहीं वारिस जी नू जाके पुछ। पर ओ ता जी चुप ने, सवेर दा एक भी बैंत नहीं गाया। वारिस ए किवें मुमकिन है? हुण ता अपने पराए सारे अपने बन चुके ने। फुल्लां दी पहचान कंडिया नाल ही हुंदी है। पोथी चली गई, मेरा फल लुट गया। हुण ते दिल करदा मैं भी उत्ते चला जा। तुहाडी जान रब दी अमानत है, ओने दित्ती है ते ओनू लैण दा हक है। खुदकुशी करना हर मजहब च गुनाह है, ते इस दी सजा जहन्नुम है। इस तो वड्डा जहन्नुम की हो सकदा? चौधरी साहब मेरी हीर चली गई। रब खैर करे अज कल च मिल भी सकदी है। नाले जड़ी टकसाल चों सिक्के बरामद होए सी, ओ टकसाल ते अजे भी कायम है। फिर गम किस गल दा है? लगता है दिलां दियां सारियां बस्तियां उजड़ गईयां ने। पर होया की है वारिस नूं? ऐ तां वारिस ही जानदा है ते जां उहदा रब। ओना दी तहीर दी पोथी चोरी हो गई है। हाँ? इन्ने चिरां दी मेहनत बेकार चली गई। बहुत दुखी ने बेचारे। शाह जे तैनु अपनी हीर दी पोथी चाहीदी है तां अज अद्धी रात नू पुराने किले विच आ जा। वे ना मुरादां दी मुराद पूरी कर दे, तेरी मुराद भी पूरी हो जाएगी। तेरे इश्क ने अग सानू लाई हुई शमाज तेरे ले जगाई हुई है। तेरे इश्क ने अग सानू लाई हुई है। हाँ शमाज तेरे ले जगाई हुई है। ते शम्मा रोशना दिया बुझा दे सोनिया। शम्मा रोशना दिया बुझा दे सोनिया। ये रूप गुमान परिये अटखे लिए छैल छबिलिए नी आशिक पार फकीर ते नाग काले बाज मंत्रों मूल न किलिए नी
ਇਥੋਂ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਜੇ ਪੁੱਛਣੀ ਏ ਕੰਨ ਖੋਲ ਕੇ ਸੁਣ ਮੁਟਿਆਰੀਏ ਨੀ ਵਾਰਸ ਸ਼ਾਨਾ ਤੱਪੀਏ ਮੋਤੀਆਂ ਫੁੱਲ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਾੜੀਏ ਨੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਵਾਰਸ, ਹੁਣ ਕੁਝ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਸਭ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਜੇ ਇਸ਼ਕ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ ਤਾਂ ਮਾਣੇ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਖਾਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਦੇਖ ਵਾਰਸ, ਤੈਨੂੰ ਅਹੀਰ ਦੀ ਪੋਥੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਅੱਗ 'ਚ ਬਲ ਰਹੀ ਹਾਂ ਅਹੀਰ ਵੀ ਬਲ ਜਾਏਗੀ। ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸਭ ਜੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਮਾਨ ਪਿਆਰਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਾਨ, ਤਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੇਰਾ ਜਵਾਬ ਹੋਏਗਾ ਇਮਾਨ। ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਵਾਰਸ, ਆ ਚੱਲੀ ਤੇਰੀ ਜਾਨ। ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਦਿਲ ਤੋੜ ਕੇ ਨਾ ਜਾ। ਆਪਣੇ ਪੀਰੋ ਮੁਰਸ਼ਦ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਵਾਅਦਾ ਯਾਦ ਕਰ। ਜੇ ਤੂੰ ਹਿੰਮਤ ਹਾਰ ਕੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੀਰ ਕੌਣ ਲਿਖੇਗਾ? ਨਾ ਜਾ ਵਾਰਿਸ, ਨਾ ਜਾ। ਸ਼ਾਇਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੀਰੋ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਹੀਰ ਇਸ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰੋਗੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਚੁਗਲਖੋਰ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਸੁਣਿਆ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਸੀ। ਆ ਲਓ, ਕਿੱਸਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ।
होर कोई हुक्म? चौधरी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मालिक दादा इनायत खुशामदीद, कितो कितो होके आ रहे हो? बस जी, काबुल ते बल्क बुखारे होके आया। हुण कुछ दिन रहेगा ना पिंड विच? ओ चौधरी साहब, ए आउंदे बाद च ने ते जान दी तैयारी पहला कर लेंदे ने। की करा, मेरे पैरां इच चक्कर हैगा जी। कोई नहीं, कर दे हुण कोई तदवीर तैनू बनन दी। ओ चौधरी साहब, पहला इनू करता जा लैण दियो, राह वेख रहे होणे ने घर वाले। हां जी चंगा, चलदा। खुदा हाफिज़। आदा। ओ साबो, अब्बा, अम्मी, आ गया मैं। शाबाश। अब्बा। इनायत पुत्र। सलाम वालेकुम अब्बा। वालेकुम सलाम। वीरे। ओए साबो, की हाल है तेरे? आ गया पुत्र। सलाम वालेकुम। जिंदा रहे। तुसा सब दी बहुत याद आंदी सी मैनू। असी भी सारे पुत्र दिन के अंदर सी। किन्ना कमजोर हो गया मेरा पुत्र। ओए कुछ भी नहीं, हुन तो वापस आ गया। 10 मिली की लेके आए। ओए ओए, तुसी मावा ती है तो पुत्र ने पीछे ही पै गई। पहला नु पानी दानी तो पूछो। चलो चलो, मैंने दसी की लेके आ मेली। चंगा, ले आया बहुत कुछ ले आया। और सब गल्ला मंजूर कर सा, हां कौन जमया दे मिटा मिया, इस इश्क दे रोग दी गल वे सिर जाए ते इह न जा। बिरया मेरे वास्ते। ऐ पाक परी वास्ते। आ मेरे वास्ते। ऐ भी पाक परी वास्ते। अच्छा ते आ मेरे वास्ते। ले आया ते पाक परी वास्ते सी, पर तू रख ले। जिनू देखो पाक परी बारे ही सोचता। बस बहुत होगी बल्क बुखारे दी आवारागर्दी। हुण पिंड विच रह, पाक परी नाल व्याह कर ले ते खेती कर। मैं कल ही जानी हूं उदे घर व्याह दी तारीख पक्की करन। पाग परी तोड़ी अमानत है, असी कद तक उनू सांभ के रखिए। तुसी हर साल व्याह दी तारीख अगे कर दिंदे हो। एह ता गल करन आया, इनायत दी आवारा गर्दी खत्म करन दा इको तरीका कि हुण आपां पाग परी दा उदे नाल व्याह कर दिए। हांजी, ताकि ओह पिंड विच टिकते रहे। जद वी कोई रेशमी लिबास वेखदा या कोई सोने चांदी दा गहना, बस यही सोचता कि आ मेरी पाक परी दे किदां टुकेगा। जे तमाम ले पैण ता नस जाए, इश्क जलना खरा दोहे लड़ाई सच आखनाई, हुणे आख मैनू हो एहो सच ते झूठ दा वे लड़ाई। सोनी विच दरिया दे डुब मोई, जदों लगा सू इश्क दा सूलमियां, वारशां जे जान गवामणी ए हो
प्यारी इश्क दी मर्ज कबूल मियो। कौन है वारिस शाह? ते उदा ते पागपरी दा चक्कर कद तो चल रहा? कोई ऐसी गल नहीं है पुत्र, शायर है, हीर लिखन लिया आया पिंड च। सुरीला है, इसलिए मुंडे कुड़ियां जांदे ने ओरे कोल हीर सुनन लई। अपनी सब भी जांदी है, क्यों सब? जी अब्बा। तू फिकर ना कर पुत्र, मैं कल ही जानी हां पागपरी दे घर ते ओदा घूमना फिरना बंद करौनी हां। ते अम्मी कबूतर? ओदा भी इलाज हो जाएगा। तुसे फिक्र ना करो, बस व्याह दी तैयारी करो, मैं सब देख लांगी। चंगा जी, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। कबूतर आही केड़े संदेश आ जा रहे ने? मां कुछ भी नहीं, वारिस जी हीर दे बैंत भेजते ने। हुण पराए मर्दां नाल चिट्ठी पत्री बंद कर। वारिस जी पराए नहीं, अपने ने। ज्यादा बड़बड़ ना कर, तेरा इनायत नाल व्याह हो चलिया है। मेरा व्याह? मेरी मर्जी पूछे बिना? तेथों पहला भी किसी कुड़ी दी मर्जी नहीं पूछी गई। मां बाप जिदे नाल तोर देन उसे नू अपना शोहर मनना पैंदा। मर्जी ता हक ता सिर्फ मर्दां नू हुंदा, ए दस्तूर भी है ते कानून भी। मां, वारिस नाल मेरा व्याह नहीं हो सकता, मैं उन्हें। चुप चुप, फिर तो हे गल मुंह ना कटी। आप भी मरेंगी ते ओनू भी मरवाएंगी, जब तक तेरा व्याह नहीं हो जाता चुप करके कर बैठ। हुण तेरा व्याह हो चले, तू इत्थे ना आया कर। सब लोग सब कुछ कर सकते ने, चाहुण ते कर सकते ने। तुसी झूठ बोल सकते हो? मैनू एथो कट के ले जा सकते हो? भागपरी, नहीं कर सकते ना। नहीं कर सकते ना, ते फिर भूल नू भी ना कहो कि खुशबू ना देवे। कंडे नू भी ना कहो कि वो ना चुभे। जो मेरे बस विच है वो मैं करांगी, जो बस विच नहीं वो मैं करन तो मजबूर हाँ। हीरे इश्क नामूल सवाद देंदा, नाल चोरियां अते उधालियां दे वारिशां सराफ सब जान देने। ओ खोटिया पैसिया वालिया दे। वारिस जी अखां खोलो,
मैं आई हूं साबो। साबो हुण जलाउण वास्ते तेरे कोल की बचे? बहुत कुछ। आज तो ना चुगलखोर चुगलियां करया करेगा, ना पाग परी तुहाडे लई रोटी लेके आएगी। उदा व्याह हो चलिया ना मेरे वीरे नाल। हुण तो मैं आऊंगी। लगदा साबो तेरे तरकश विच होर भी तीर बाकी ने। हां जी। फिर मैनूं रोटी च सैर मिला के दे दे। मरिया वारस मेरे किस काम दा? मैं तां जिउंदा वारस चाहिदा। रोटी। इश्क दी चलनी बुरी औखी इश्क गुरु ते जग सब चे लड़ाई वारिशा फकीर दी आस पुजे ओ मिले ता कम सहे लड़ाई पाग परी तेरे होण वाले शहर ने तेरे ते इल्जाम लगाया कि तू ते वारिस एक दूजे नू इश्क करदे हो, की ये सच है? जी सच है। वारिशा तू ये बारे की कहना चाहना है? सच है जनाब। तुसी दोनों अपना गुनाह कबूल कर दे हो। गुनाह कितना दा कादी साहब? बद्दे इश्क दी कुल मखलूक दुनिया, बद्दे इश्क दे जमीन आसमान कादी। इश्क मूल है, बीज है सृजना दा। झूठा करोगे रब फरमान काजी? पीरजादियां नूं सोभा नहीं देंदा मूंह विच झूठ ते बगल कुरान काजी। मैनूं फलसफा ना सिखा। जे रिश्ता जिस्मानी नहीं तां की तुसी दोनों अपनी बेगुनाही दा सबूत देण नूं तैयार हो? जी। तुहानूं दोनां नूं जल्ले कोलियां ते चलना पएगा। जे पैरां विच इक वी छाला पै गया तां सजाए मौत। ये इम्तिहाने इश्क है सजदे में आके दे। ये इम्तिहाने इश्क है सजदे में आके दे। ये इम्तिहाने इश्क है सजदे में आके दे। ये बेखुदी की आग है, ये बेखुदी की आग है, खुद को जला के दे। इम्तिहाने इश्क है सजदे में आके दे। ये इम्तिहाने इश्क है सजदे में आके दे। दिल लगी ही दिल लगी में इश्क का जो हो गया।
दिल लगी ही दिल लगी में इश्क का जो हो गया जो लुट गया सो पा गया जो पा गया सो खो गया एक बारी अपने यार से एक बारी अपने यार से नजरें मिला के देख ये इम्तिहाने इश्क है सजदे में आके देख ये इम्तिहाने इश्क है सजदे में आके देख ये इश्क है बेखौफ है परवाह किसे दी की करे ये इश्क है बेखौफ है परवाह किसे दी की करे जो डर गया सो मर गया जो मर गया सो की करे अपने खुदा के बीच में अपने खुदा के बीच में खुद को हटा के दे ये इम्तिहाने इश्क है सजदे में आके दे ये इम्तिहाने इश्क है सजदे में आके दे ये बेखुदी की आग है ये बेखुदी की आग है खुद को जला के दे ये इम्तिहाने इश्क है सजदे में आके दे ये इम्तिहान इश्क है सजदे में आके दे अग इन्हों छू के भी नहीं गई इस दा मतलब निर्दोष ने ते इन्हां दोनों नू इज्जत नाल बरी किया जाता ते इनायत तैनू इन्हां ते झूठा इल्जाम लाने दे जुर्म विच 50 शर्फियां दा जुर्माना किया जाता है जिहड़ियां तू वारिस नू अदा करेगा वारिस इस करिश्मे ने साबित कर दिता है कि तू अल्लाह दा महबूब है ते अल्लाह तेरा महबूब अल तेरी जित ते मेरी हार दा जुर्माना इमाम साहब ये शर्फियां साढ़े किस काम असी ते कम ते खर्च करो इमाम साहब मैं जरा वारिस नाल कल्या ही गल करना चाहना वारिस शाह तू की समझ रहे है? तू जित गया तू हार गया है तू हार गया है तेरी जित विच तेरी हार छुपी है ते मेरी हार विच मेरी जित ओ खूबसूरत मौत जड़ी लखां विचों किसे किसे आशिक नू नसीब हुंदी है तुहानू दोनों नू भी मिल सकती सी जे पैरां विच छाले पै जांदे जिउंदे भी ना मुराद रहे ते मरोगे भी ना मुराद हाँ।
पाक परी तो मेरे ही ना लिखी सी, बहुत पहला कॉल करार हो चुके ने, हुण उहदा विआह मेरे नाल ही होएगा। दिन भी मुकर्रर हो गया, तैनूं न्योता देण आया। इनायत, जे मैं तैनूं ये कहां कि तू मेरे सीने विच चोट नहीं पहुंचाई तां ये गलत होवेगा। मैं कोई फरिश्ता नहीं, इंसान। अज दे बाद मैं पहला वाला वारस नहीं रहांगा। शायद इसे दिन दे बारे मेरे पीरो मुर्शिद बाबा मखदूम ने क्या सी, दर्द ही मेरे कलम विच असर पैदा करेगा। की कहां मैं, मैंने दर्द की दौलत चाहिए या पाक परी? बिना मुर्शिदा राह नहीं हाथ आंदे। खैर, जो रब देवे। तैनू की देना है और रब दे नहीं, मेरे वस विच है। ते मैं भी फरिश्ता नहीं। वारिस, ए तेनू अचानक की हो गया है? फकीरी दी धुन किदां समा गई? हाले तां तेरे दिल दे अंदर अरमाना दे मेले लगे होणगे। साई जी, की पुछदे हो की होया? सा इदां हुंदा जांदा है जिवें दो थारा खंजर चलियो। मैं समझ गया, तेरे दिल दे वीराने दे अंदर एक दर्द जाग उठिया है। बाबा मखदूम ने शायद ऐसे दर्द नूं दौलत दा नाम दिता सी। मैनू कहंदे सी तेरे अंदर एक तपश दी कमी है। वारिस, मैं तेनू सिर्फ एक शर्त ते अपना मुरीद बना सकदा, कि तू अपने दर्द की सारी दौलत सिर्फ हीर लिखते खर्च करेगा। ते जब तक हीर मुकम्मल नहीं हो जाती, तू मलका हंस विच ही रहेगा। पाग परी बिनते इश्फाकुल्ला चौधरी, तुहाडा निकाह बाई वज मेहर फातमी इनायत मलिक वल्द रशीद मलिक दे नाल करार पाया गया है। की तैनू कबूल है? मैं दूजी बार पूछदा हां, की तैनू इनायत मलिक नाल निकाह कबूल है? मैं आखिरी बार पूछदा हां कि तैनू इनायत मलिक नाल निकाह कबूल है? पागपरी, हां मुबारक होवे, दुल्हन ने निकाह कबूल किया। मुबारक हो चौधरी साहब, सब मुबारक। Thank you.
सुखलियां यारियां वे ओदे जख्म ना हश्र तक होन राधी हो जिन्ना लगियां प्रेम कटारियां वे बारिशा भाग परी पराई होगी हुण तां उहनूं भुल जा ओदे सदा पराई सी सिर्फ मेरियां यादां ही मेरियां सन ते अज वी मेरियां ने अपनियां यादां नूं मेरे सुफड़िया ते वार दे जिहदी खातर जोग लिया उसे नूं भुल जा हीर आख दी रांझिया कहर होया रही शर्म दी लजना का मैनू जोगण हो विभूत मैं ला बैठी हो पूरा मेहर ना आउंदी जरा तैनू कूंज वांग दिन रात कुरलाम दीवे लगा हुंद कमलड़ी दा मैनू वारस नहीं मैरम कोई हाल दावे हो सुनावा हाल मैं रांझिया जा कैनू बस अजय ना ही हुण तुसी अपने अपने घरां नूं जाओ साबो तू भी कर जा तेरा भी तंदूर सिकण दा वेला हो गया तुहानू मेरे खान पीन दा पता मेरे दिल दे हाल दा नहीं पता ओ भी पता है मैं तुहाडे नाल वैर कमाया फिर भी तुसी मैनू दुश्मन दी नजर नाल भी नहीं देखते तू मेरी दुश्मन नहीं कोई मेरा दुश्मन नहीं काजी भी नहीं वारस जी मैं सुड़िया हर आदमी दे दिल विच दो लोकां लई जगह हुंदी है दोस्त ते दुश्मन नफरत भी ते एक तरह दी मुहब्बत अपनापन हुंदी है ना कि वो अपनापन भी मेरा नहीं पानी विच तलवार मारिया पानी नहीं कट जांदा सब वारिस जी ओ लोग किधर जाते ने जिन्हां नूं ना प्यार मिलता ना नफरत बेगाने हमेशा बेगाने ही रह जाते ने ओ लोग जे रब ना लौ लगा लैन ता साडे वर्गे पापियां तों पहलां उसनूं पा लैन कहना आसान है करना बहुत मुश्किल
ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਜਿੱਥੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨੀ ਆ। ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਕੋਲੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਕਿਉਂ? ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਸ਼ੋਹਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ ਤੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਤੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਦੀ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ। ਅੱਲਾ ਰਸੂਲ ਤੇ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜੋ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿਓਗੇ ਮੈਂ ਮੰਨਾਂਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਜਿਸਮੋਂ ਜਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋ, ਚਾਹ ਤਾਂ ਜਾਂ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਸਮ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਦਿਲ ਕਿਸ ਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਜਿਸਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਕੋਲ, ਇਹ ਵੰਡ ਮੈਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਪਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖ ਪਾਕ ਪਰੀ, ਜੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਾਬੋ, ਹੋਇਆ ਕੀ ਤੈਨੂੰ? ਨੂਰਾ, ਨਾ ਦਿਲ ਮੰਨਦਾ ਨਾ ਦਿਲ ਪਰ ਭੁੱਖ ਪਿਆਸ ਜਿਵੇਂ ਸਭ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਅੱਗ 'ਚ ਬਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਕਿਹੜਾ ਰੋਗ ਲਾ ਬੈਠੀ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਹਕੀਮ ਨੂੰ ਦਿਖਾ। ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਰੋਗ ਦਾ ਕਿਸੇ ਹਕੀਮ ਕੋਲ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਇਸ਼ਕ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਮਜ਼ਾਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਬੋਲੀਏ, ਜਿਹਨੇ ਰੋਗ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਤੋਂ ਹੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਛਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ, ਤੂੰ ਬਾਬਾ ਮਖਦੂਮ ਦੀ ਦਰਗਾਹ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੁਆ ਮੰਗ, ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਬਣ ਜੂ। ਸਭ ਦੀਆਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਖਦੂਮ ਬਾਬਾ ਮੇਰੀ ਮੁਰਾਦ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ। ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਮੁਰਾਦ ਨਾ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਜਾਣਾ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ। ਮੈਨੂੰ ਵਾਰਸ ਦੇ ਦੇ, ਵਾਰਸ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਸ ਕੰਮ ਦੀ? ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਦਾ ਗੁਨਾਹ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਵਾਰਸ ਦੇ ਦੇ। ਸਾਬੋ, ਸਾਬੋ, ਦੇਖ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਮਹਿੰਦੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਮਖਦੂਮ ਬਾਬਾ ਨੇ ਭੇਜੀ। ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ? ਜੇ ਲਿਆਇਓ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਲਾ ਦਿਓ। ਕੋਈ ਹੀਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਪਹਿਨਦੀ ਸੁਣਾ ਦਿਓ। ਸਾਬੋ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਰਸ ਕਦੇ ਹੀਰ ਨਹੀਂ ਗਾ ਪਾਏਗਾ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਤੇਰਾ ਹੋਣ ਲਈ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਹਿੱਸੇ ਇਹ ਖਾਕ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਹੀ ਆਏਗਾ। ਕੀ ਮਤਲਬ? ਮੇਰੇ ਪੀਰੋ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦਾ ਖੁਆਬ ਅਧੂਰਾ ਰਹੇਗਾ, ਹੀਰ ਕਦੇ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਅਧੂਰੀ ਰਹਾਂਗੀ? ਮੈਂ ਵੀ ਅਧੂਰੀ, ਮੇਰਾ ਵਾਰਸ ਵੀ ਅਧੂਰਾ,
नहीं, है मेरा वारस नहीं जो मेरे लड़ला के हीर नु बार ना लाए। ते मैं बाबा मखदूम नु की कहा? कह दियो साहब ने थानू आजाद किया। हुण तो हीर विच होर यादां जुड़ जाणगियां। मेरे च लखां साबो तुहाडे ते कुरबान, पर छावे नूं फड़न चली सी मैं, चली ना हुआ था। इनायत, जेड़ा कंडा तैनू चुभ रहा ना, ओही मैनू चुभ रहा है। मैं चौधरी साहब ते मलिक कोलों हार खा चुका है, सूबेदार भी उहदा मरीद हो गया है। मेरा पुत्र एक खा खा के दुंबा हो जाता है, यह तो भी कोई उम्मीद नहीं कि अपने प्यो का भार हल्का कर सके। उस पिंड विचों कढ़ना नामुमकिन है। दुनिया तो कढ़ना तो आसान है, तू इस हद तक जा सकता है? जिस अग विच मैं जल रहा, मैं कुछ भी करने तैयार हूं। काजी साहब, असी बार बार थोड़ी अदालत विच पेश हो चुके हाँ, ते सजावां भी भुगत चुके हाँ, अज सानू पापियां नू किदां याद कीता? कदे ना हो गड्डी ते, ते कदे गड्डी ना हो ते। खुल के कहो काजी साहब, वारिशां नू जानदे हो? हाँ, सुनिया कोई बाहरों आया, मसीते रहिंदा ते हीर लिख रहा है। उस दा कतल करना है ते लाश कैब कर देनी है। ए मुकदमा तुहाडी अदालत विच पेश तां नहीं होएगा काजी साहब? किसे भी अदालत विच नहीं। तुहाडा काम हो गया काजी साहब? किसी ने वेख्या ते नहीं? कोई सबूत ते नहीं छड़ के? इस मैदान दे असी पुराने खिलाड़ी हैं, तुसी जानदे ही हो काजी साहब। पाक परी? हाँ? एले, तेरे लड्डू बड़े पसंद है ना? हाँ? की काले? आज बड़े खुश लग रहे हो। हाँ, सुन, तेनू इना हथा ते कुछ लाली नजर आ रही है? नहीं था। हाँ, कोई गल नहीं, कल नहीं ते परसों तेनू मेरी खुशी दा राज पता चल ही जाएगा। ले लड्डू खा।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मलिक साहब, आज वारिस की आवाज नहीं आई। मैनू खुद समझ नहीं आ रहा। साहिब हाथ वडियाँ सारियाँ नी कोई उजर ना एस माजूर दाए वारे शाह बसनीक जंडिया लड़े दा हो ते शागिर्द मखदूम कसूर दाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। चौधरी साहब, मलिक साहब इस वेले सवेरे सवेरे मैनू बुलावा भेज देना सी। अज सवेर तो हीर दी कोई बैंक नहीं सुनी, फिकर हो गई सी, सोचिया पता करके आईए सब खैर ते है। दरअसल राती मेरे पीर मुर्शद आ गए सन, उन्हें नाल किस तरह वक्त गुजरिया पता नहीं लगे। वारिस, वारिस, पीरो मुर्शिद, तुसी, वो मेरी हीर कितने तक पुजी है? तुसी बेहतर जानते हो। चल आ जा खुली हवा विच, तेरे नाल कुछ गल्ला करनी है ने। जी आ जा। जो कुछ बीज सन इस जहानी उते ओही रोज कयाम ते लेने गे नी बदले मिलन गे करनिया परनिया दे हो ते ऐमाल ना में हथी देन गे नी दुनियादार ना रहेगा कोई ये थे आशिक फकर ही साबत रहन गे नी आपो आप मालूम कर लैन सबे ओ जदों हश्र नु मामले पैन गे नी बाग परी
ਹੀਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਪਿਆਰੇ ਯਾਰ ਤੋਂ ਵਿਛੜਨ ਦਾ ਗਮ ਵੀ ਇਹ ਤੇਰੀਆਂ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨੇ ਇਹ ਤੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਜੀ ਹੀਰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸੀ ਹੈ ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਤੱਕ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਰਹੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣਿਆਂ ਬੇਗਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਚੱਲਿਆ ਉਹ ਫੇਰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਣ ਸਾਬੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਸੇ ਮੂੰਹ ਜ਼ੋਰ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦੀ ਨਾ ਲਗਾਮ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ ਪੈਰ ਰਕਾਬ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਭ ਦਾ ਇਹੋ ਹਾਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਸਾਡਾ ਨਸੀਬ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਲਿਆਵੇਗਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹੀ ਪਤਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਮੋੜਨਾ ਮੇਰੇ ਬਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜੋਗੀ ਚੱਲਦੇ ਭਲੇ ਨਗਰੀ ਬਸਤੀ ਭਲੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇਰੀ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਵੰਡ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੋਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪਾਕ ਪਰੇ ਮੇਰੀ ਤਪਿਸ਼ ਤਾਂ ਹੀ ਜਾਏਗੀ ਜਦ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂ या तू बोल ऐ जहर मैं पीवा या तू ਇਹ ਸਾਰੇ ਫਸਾਦ ਦੀ ਜੜ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਮਰਨਾ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਜੀਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਮਰਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ Thank you.
ना, ना। ਖਾਨ ਕਹਾਂ
खानगाहां चैन दी होनी जानी खेड है सारे जहान दी सारे जहान दी झूठी तसल्ली ना दे दिल नू बहलान दी दिल नू बहलान दे दोस्त तो लो आ गए कड़ी हो जान दी कड़ी।